अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपको स्क्रॉच बनाने का तरीका बताऊंगी, जिसके लिए मैंने कपड़ा 15, 16, 17 इंच तक लिया है। मैं इसका मेजरमेंट कर लेती हूँ अभी। व्यूवर्स, इसके लिए 18 इंच का मैंने लिया है और यहाँ से मैंने 4.5 इंचज का लिया है। जितना बड़ा कपड़ा होगा इसमें चुनट अच्छे से आते हैं। ज़्यादातर ये सिल्क के कपड़े पर बहुत अच्छा बनता है। और इसके हाफ में इसका इलास्टिक लेना है और साथ में ये लूप टर्नर लेना है, जिससे इसको हम पलटाएंगे। तो पहले हम इस कपड़े को फोल्ड करके इस तरह सीधी सी इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाई के बाद इसके अंदर इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। इलास्टिक का भी बता देती हूँ, तो ये 10 इंचज तक मैंने लिया है। तो इसके ऊपर मैं स्टिच करके अंदर इलास्टिक इंसर्ट करके और साइड में सिलाई कैसे करनी है फिर वो बताना है हैंड के साथ। ये बस इसको मैं सीधा कर देती। तरह से सारा सीधा कर देना है और प्रेस लगानी है कि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब इसके साथ इसको इंसर्ट करके अंदर डालेंगे। जो भी चीज़ आपके पास हो उसके ज़रिए इसको डाल दें। स्टिच भी कर सकते हैं और नॉट भी लगा सकते हैं इसको। तो फिलहाल भारी इलास्टिक है, मैं नॉट ही लगाऊंगी। इस तरह से और दोनों का एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर करना है। जोड़ से जोड़ में लगाना है। इस तरह जोड़ के साथ जोड़ को मिलाना है और सुई अंदर की तरफ लेके जानी है। अंदर अंदर से टांके इसमें इस तरह से लेने हैं, एक इस किनारे दूसरा उस किनारे। तो बाहर से ये देखेगा नहीं, जैसे हम साइड से कपड़ा मोड़ते हैं इस तरह थोड़ा थोड़ा करके मोड़ते जाएं। और छोटे छोटे टांके लेते जाएं। ये इस तरह से मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये व्यूअर्स, स्क्रॉच रेडी हो गया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। तो लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।